आईपीएल 2022 के 13वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने राजस्थान रॉयल को 4 विकेट से करारी शिकस्त दी है। मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच बड़ा ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। इस मैच में दोनों टीमों ने एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दी है। पहले गेंदबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के गेंदबाजों ने राजस्थान रॉयल के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। वहीं राजस्थान रॉयल्स ने बैंगलोर को मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन बाद में दिनेश कार्तिक ने राजस्थान रॉयल के जबड़े से जीत खींच ली और 4 विकेट से अपने नाम कर ली। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम राजस्थान रॉयल मैच में फैफ डु प्लेसिस वाली कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर राजस्थान टीम पर पूरी तरह से भारी पड़ गई। तो कहीं ना कहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को जहाँ ये लग रहा था कि मुकाबला हार जाएंगे, लेकिन इस जीत के बाद दिनेश कार्तिक के बारे में फैफ डु प्लेसिस ने कुछ ऐसा कह दिया कि सुनकर या देखकर हर कोई हैरान रह गया। तो वहीं पर फैफ डु प्लेसिस ने राजस्थान रॉयल की किस गलती की वजह से मिली जीत और आखिर क्या कर दी संजू ने बड़ी गलती, इसका भी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो आइए जानते हैं आखिर क्या कहा है फैफ डु प्लेसिस ने आरसीबी की इस जीत के बाद इस एक खास रिपोर्ट में। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सब कुछ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं राजस्थान के रजवाड़ों के फैन, आरसीबी के फैन, तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। खैर पहले पॉइंट टेबल के बारे में थोड़ी सी नजर डाल देते हैं। जो बात करते हैं राजस्थान रॉयल की, तो इस मैच में राजस्थान रॉयल को मिली हार के बावजूद भी पॉइंट टेबल में तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा है। पॉइंट टेबल में राजस्थान रॉयल अभी भी पहले पायदान पर है। तो अगर बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, तो वो इस जीत के बावजूद भी टॉप फोर में तो शामिल नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं ये खास तौर पर पॉइंट टेबल में कोई फर्क नहीं पड़ा इस जीत के बाद, इस हार के बाद। वहीं पर दिनेश कार्तिक ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को बड़ी जीत दिलाई है। दरअसल राजस्थान की ओर से 170 रन के मिले लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम ने अच्छी शुरुआत की थी। फैफ डु प्लेसिस और अनुज रावत ने पहले विकेट के लिए 55 रन जोड़े। डु प्लेसिस 20 गेंद पर 29 रन बनाकर चहल का शिकार बने, फिर रावत 25 गेंद पर 26 रन बनाकर तेज तरार गेंदबाज नवदीप सैनी के जाल में फंसे। टीम को 9वें ओवर में दोहरा झटका लगा, विराट कोहली आउट हो गए और डेविड मिली भी। तो कहीं ना कहीं इसके बाद शहबाज अहमद और सैफरन अदरपोर ने स्कोर को 87 तक पहुंचाया, लेकिन वो भी आउट हो गए। यहां से दिनेश कार्तिक ने आक्रामक पारी खेली और 23 गेंदों में 44 रन बनाकर शहबाज ने आरसीबी की टीम में वापसी करवाई। वहीं दिनेश कार्तिक ने 23 गेंदों में 44 रन बनाकर मैच का रोकी पलट दिया। आक्रामक अंदाज जारी रहा, आरसीबी को 4 विकेट से जीत दिलाई। इसके साथ उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया, लेकिन मैन ऑफ द मैच बनने के बाद दिनेश कार्तिक ने क्या कहा, आइए जानते हैं। पहले तो ये, उसके बाद हम आपको बताएंगे फैफ डु प्लेसिस ने इस जीत के बाद क्या कहा। दिनेश कार्तिक ने कहा, मैं लगातार अपने साथ न्याय करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे ये भी लगता है कि मैं पिछले कुछ सालों में और बेहतर कर सकता था। मैंने इसके लिए कड़ी ट्रेनिंग ली है। मैंने खुद से ये भी कहा है कि मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं। मेरा कुछ लक्ष्य है और मैं इसे प्राप्त करना चाहता हूं। जब आपको प्रति ओवर 12 रन चाहिए हो तो आपको रास्ते खोजने पड़ते हैं और इसके लिए शांत रहना और अपने खेल को समझना जरूरी होता है, तभी आप मैच में आगे बढ़ सकते हैं। दिनेश कार्तिक ने खुले तौर पर कह दिया है कि मैं खुद से अभी भी यही कह रहा हूं कि मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं, यानी कि मेरे अंदर क्रिकेट अभी भी बची हुई है। ये बात हर किसी का दिल जीत लेती है, यानी कि दिनेश कार्तिक अभी भी क्रिकेट के लिए तैयार है और इस तरह से फिनिशिंग टच देने के लिए भी। राजस्थान के खिलाफ 4 विकेट से शानदार जीत के बाद मैच प्रेजेंटेशन में बातचीत करते हुए फैफ डु प्लेसिस ने कहा, ये कमाल का मैच था। ऐसे मैच को दूसरी टीम के जबड़े से खींचने के लिए आपको दिनेश कार्तिक जैसे खिलाड़ियों की जरूरत होती है, जो कि ऐसे पलों में अपना कैरेक्टर दिखा सके। वो बहुत शांत थे, जिससे सामने वाले खिलाड़ियों पर भी दबाव नहीं बना। हमने गेंदबाजी भी अच्छी की थी, लेकिन जॉस ने 19वें ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी की और उन्हें सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। हमें वैसी शुरुआत नहीं मिली जैसी मिलनी चाहिए थी। हमसे विश्वास था कि हम मैच जीत सकते हैं। शहबाज के पास अपना गेम प्लान था और भविष्य में गेंदबाजी में भी अपना योगदान दे सकते हैं, लेकिन फैफ डु प्लेसिस का यही मानना है कि दिनेश कार्तिक जैसा खिलाड़ी मैच का रुख पलट सकता है। और कहीं ना कहीं दिनेश कार्तिक को आउट न करना ही संजू की सबसे बड़ी गलती बताई है और मैच को पलट देने वाला बताया है दिनेश कार्तिक को खिलाड़ी। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।